Good morning, dear students. Today is our English grammar period, and we are going to study chapter 13 Concord. In order to write a grammatical correct sentence, one thing we must know and make sure is that the subject and the verb in the sentence are in concord or in agreement. को यदि ग्रामेटिकल करेक्ट सेंटेंस लिखना है है ना तो उसके उद्देश्य से हमको क्या चीज़ का ध्यान होना चाहिए हमको ये श्योर कर लेना चाहिए कि सेंटेंस का सब्जेक्ट और वर्ब जो है वो कॉन्कर्ट में होना चाहिए उनमें सामंजस्य होना चाहिए मतलब कि सब्जेक्ट अगर हमारा सिंगुलर है तो हमारी वर्ब भी कैसी होनी चाहिए सिंगुलर होनी चाहिए सब्जेक्ट प्लुरल है तो वर्ब भी कैसी होनी चाहिए प्लुरल होनी चाहिए तभी वो सेंटेंस जो है ग्रामेटिकली करेक्ट माना जाता है नाउ टेक अ लुक एट दिस सेंटेंस फर्स्ट क्वेश्चन फर्स्ट सेंटेंस क्या दिया है द एप्पल इन द बास्केट इज रॉटेन द प्रिंसिपल अलॉन्ग विथ हिज स्टूडेंट्स बैन टू पिकनिक फर्स्ट सेंटेंस देखिए फर्स्ट सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या है सिंगुलर है कि प्लूरल है फर्स्ट सेंटेंस में हम सब्जेक्ट देखेंगे हमारा सब्जेक्ट कैसा है सिंगुलर है एप्पल्स नहीं है एप्पल है ठीक है एंड वर्ब कैसी है उसके साथ सिंगुलर की प्लुरल तो वर्ब कहाँ है ये है हमारी वर्ब ठीक तो है तो वर्ब कैसी है हमारी सिंगुलर है ठीक है तो हमको क्या समझ में आया कि जब हम सिंगुलर सब्जेक्ट लेते हैं तो उसके साथ वर्ब कैसी लगती है सिंगुलर विद अ सिंगुलर सब्जेक्ट वी हैव यूज अ सिंगुलर वर्ब अ सिंगुलर सब्जेक्ट टैक्स अ सिंगुलर वर्ब सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब यूज होती है वी यूज अ सिंगुलर वर्ब हम सिंगुलर वर्ब का यूज कब करते हैं सबसे पहली कंडीशन क्या है विद कलेक्टिव नाउन कलेक्टिव नाउन के साथ में जैसे द चेस्ट ऑफ ड्रार्स कम इन यूजफुल फॉर स्टोरिंग माई क्लॉथ्स अब यहां पर देखिए हम किसके बारे में बात करें फर्नीचर का एक पीस है है ना? ये पूरा एक फर्नीचर एक है ठीक है ना इसलिए हम क्या बोल रहे हैं किसका यूज़ करा हमने मतलब सब्जेक्ट कैसा है हमारा सिंगुलर है हमको यहाँ नहीं देखना है हमको कहाँ देखना है यहाँ देखना है ठीक है तो सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है सो हमारी वर्ब भी कैसी होगी सिंगुलर होगी हमने बोला था प्रेजेंट सिंपल टेंस में क्या होता है सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वर्ब में एस या एसियास लगता है ठीक है एंड एनुलर के साथ नहीं लगता है ओके नेक्स्ट विथ अनकाउंटेबल नाउन्स अनकाउंटेबल नाउन के साथ भी हम लोग सिंगुलर वर्ब का यूज़ करते हैं फॉर एग्जाम्पल अनपॉलिश्ड राइस इज वेरी न्यूट्रिशियस अब देखिए राइस जो है हमको पता है अनकाउंटेबल है इसलिए हमने कौन से वर्ब यूज की यहाँ पर सिंगुलर वर्ब यूज की इस थर्ड विथ एबस्ट्रेक्ट नाउन एब्सट्रेक्ट नाउन जो होते हैं हमारे जो भाव होते हैं ठीक है थीके? उनको हम क्या बोलते हैं या भाववाचक संज्ञा जिसको कहा जाता है ठीक है जो हमारे भाव होते हैं उसको बताने के लिए भी हम क्या करते हैं सिंगुलर वर्ब का यूज करते हैं जैसे हैप्पीनेस हैप्पीनेस इज नॉट समथिंग वन कैरी बाय ठीक है तो हैप्पीनेस जो है वो एब्सटेक्ट नाउन है इसलिए यहाँ पर सिंगुलर सब्जेक्ट हमने सिंगुलर वर्ब यूज की नेक्स्ट है विथ नाउन्स दैट हैव नो सिंगुलर फॉर्म उन नाउन के साथ हम लोग सिंगुलर वर्ब का यूज करते हैं जिनका कोई सिंगुलर फॉर्म नहीं होता है फॉर एग्जाम्पल न्यूज न्यूज जो होता है इसका कोई सिंगुलर न्यू नहीं बोलेंगे हम हमेशा क्या आएगा न्यूज ही आएगा ठीक है तो न्यूज के साथ हमेशा कौन से वर्ब यूज करेंगे हम सिंगुलर वर्ब यूज करेंगे ठीक है जैसे वर्ड्स ओके नेक्स्ट विथ सिंगुलर डेमोन्स्ट्रेटिव सच एज दिस एंड दैट सिंगुलर डेमोन्स्ट्रेटिव जो होते हैं जैसे दिस दैट एक चीज के लिए यूज किए जाते हैं सिंगुलर होते हैं ठीक है ना तो इनके साथ भी हम कौन से ना कौन से वर्ब यूज करेंगे सिंगुलर वर्ब यूज करेंगे फॉर एग्जाम्पल दिस इज द साइट चूजन फॉर द शॉप्स टू बी कंस्ट्रक्टेड ठीक है तो दिस डेमोन्स्ट्रेटिव डेमोन्स्ट्रेटिव है सिंगुलर है इसलिए हमने इसके साथ सिंगुलर वर्ब यूज की नॉट टर्न ओवर द पेज नेक्स्ट सिक्स विथ सिंगुलर प्रोनाउंस सिंगुलर प्रोनाउम जैसे कौन कौन से होते हैं ही शी इट नो वन एवरी वन इनके साथ भी हम लोग सिंगुलर वर्ब यूज़ करते हैं फॉर एग्जाम्पल नो वडी नोस वैन ही विल अराइव अगर यहाँ पर प्लूरल होता तो हम क्या लिखते हैं यहाँ नो no लिखते हैं ओके नेक्स्ट विथ डिटर्मिनर्स फॉर अनकाउंटेबल्स अनकाउंटेबल्स के लिए जो डिटर्मिनर यूज़ होते हैं जैसे सम अलिटिल मच इनके साथ भी हम सिंगुलर वर्ब का यूज करते हैं जैसे आई डू नॉट टेक अलिटिले तो भी डिटर्मिनर है इसके साथ हमने सिंगुलर वर्ब यूज की है ना नेक्स्ट है अब प्लुरल सब्जेक्ट टेस्ट बर्ब प्लुरल सब्जेक्ट के साथ कौन सी वर्ब यूज होती है प्लुरल पर्व विथ प्लूरल वर्ब कब कब यूज होती है जब क्या होता है विथ अ प्लूरल काउंटेबल नाउन एज इट्स सब्जेक्ट जब प्लुरल काउंटेबल नाउन उसका सब्जेक्ट हो सेंटेंस का तब हम क्या यूज करते हैं कौन सी वर्ब यूज करते हैं प्लुरल वर्ब यूज करते हैं जैसे द ऑरेंज इन द दरेंज इन द बास्केट ठीक है तो ऑरेंज जो है वो प्लुरल हो गया ठीक है तो यहाँ पर हमने प्लुरल वर्ब यूज की नेक्स्ट द बॉक्सेस फुल ऑफ बुक्स ठीक है बॉक्सेस है बॉक्सेस क्या है हमको ऑफ से पहले वाला देखना है ये पूरा एक सब्जेक्ट बना है लेकिन हमको ये देखना है ठीक है ना तो बॉक्सेस प्लुरल है इसलिए हमने हैव यूज़ किया अगर सिंगुलर होता तो हम क्या यूज करते हैंज ठीक है विथ टू सिंगुलर नाउन ज्वाइन बाय द कंजंक्शन एंड अगर दो सिंगुलर नाउन कंजंक्शन एंड से ज्वाइन है तब भी हम प्लुरल वर्ब का यूज़ करते हैं फॉर एग्जाम्पल मैरी एंड लिहान आर ओके विथ अ नाउन विथ नो सिंगुलर फॉर्म उस नाउन के साथ जिसका कोई सिंगुलर फॉर्म नहीं होता है जैसे स्पेक्टेकल्स ठीक है जो हमारा चश्मा होता है उसको कहा जाता है ठीक है ना तो उसको स्पेक्टिकल्स ही कहते हैं हम लोग उसका सिंगुलर फॉर्म नहीं बना सकते तो उसके साथ भी हम लोग प्लुरल यूज़ करते हैं पैजामाज उसके साथ भी हम प्लुरल यूज़ करते हैं ऐसे कई सारे नाउंस हैं ओके विद अ फ्लुरल क्वालिफायर्स क्वालिफायर जो होते हैं जैसे फ्यू मैनी अलॉट अगर ये आते हैं तो इनके साथ भी हम प्लुरल वर्ब का यूज करते हैं नेक्स्ट विथ नाउन दैट आर ट्रीटेड बोथ अ सिंगुलर एंड प्लुरल उस नाउन के साथ जो सिंगुलर प्लुरल दोनों तरीके से ट्रीट की जाती है जैसे द पुलिस द कैटल ओके नेशनल कॉन्कर्ड इवन इफ वी आर टॉकिंग अबाउट मिलियंस ऑफ रुपीज वी ट्रीट सम ऑफ मनी एज सिंगुलर सब्जेक्ट सो दे टेक सिंगुलर वर्ब्स इवन यहाँ तक कि हम लाखों रुपए की भी बात करते हैं उसके बारे में बात करते हैं तो वो सम ऑफ मनी के रूप में हम उसको ट्रीट करते हैं तो सिंगुलर सब्जेक्ट के रूप में ट्रीट करते हैं इसलिए उसके साथ हम हमेशा सिंगुलर वर्ब यूज करते हैं फॉर एग्जाम्पल थाउजेंड रुपीज इज अ लॉट ऑफ मनी नेक्स्ट पेज पर देखिए वी ट्रीट नंबर्स टू एज सिंगुलर सब्जेक्ट नंबर्स जो होते हैं जैसे थ्री वीक्स टेन किलोमीटर इसको भी हम सिंगुलर सब्जेक्ट के रूप में मानते हैं और सिंगुलर वर्ब उसके साथ यूज करते हैं थिंग्स दैट गो टूगेदर एंड आर पेयर ऑफ आर ट्रीटेड एज सिंगुलर सब्जेक्ट अगर कोई सी थिंग्स जो है वो पेयर में रहती है हमेशा ठीक है तो हम उसके साथ भी सिंगुलर वर्ब का यूज करते हैं फॉर एग्जाम्पल टोस्ट एंड एग्स नेक्स्ट है कॉन्कर्ड बिटवीन नाउन एंड प्रोनाउन इन अ सेंटेंस नॉट ओनली द नाउन एंड प्रोनाउन बट ऑल्सो द पॉजिटिव एड्जेक्टिव शुड बी इन एग्रीमेंट क्या होता है सेंटेंस में ना केवल नाउन प्रोनाउन बल्कि अगर पॉजिटिव एडजेक्टिव्स भी हैं तो उसको भी हमारे उसमें भी हमको सामंजस्य रखना पड़ता है जैसे देखिए यहाँ पर द सोल्जर्स थ्रू डाउन देयर गन्स व्हेन दे सरेंडर्ड तो देखो यहाँ पर पॉजिटिव एडजेक्टिव किसके लिए यूज़ हुआ सोल्जर्स के लिए हमने क्या यूज़ करा दे ठीक है क्योंकि ये प्लूरल है तो प्लूरल के लिए हम क्या यूज करते हैं दे एवरी बॉय एवरी बॉय के लिए हमने क्या यूज किया ही ठीक है इस तरीके से तो हमको ये पूरा सेंटेंस में ग्रामेटिकल हमारा सेंटेंस करेक्ट करने के लिए हमको इन सारी चीजों को ध्यान में रखना पड़ता है ओके इसकी एक्सरसाइज हम नेक्स्ट पीरियड में करेंगे हैवे नाइस डे